तो अभी दोनों लोग जुड़ गए हैं, देख सकते हैं अभी कितना ही प्यारा लग रहा है। और ये दीदी इधर से गोल गोल कट करके दे रही हैं, काजल उधर तल रही हैं। आग बचा है काजल, फिर मैं कह रहा हूँ ठीक। तो मानसी बेटा यहाँ भी, मानसी बेटा भी आ गई है। गोल लाग लो बेटा मैया जी को। हाँ अच्छा लग रहा है आपको। दोस्तों दीदी जा रही हैं घर पे और खाना पीना हो गया, चलिए हम छोड़ के आते हैं। तो अभी आ गए घर पे दीदी के। और ये रहा दीदी का रूम, उतार रही बेगवा मुड़ी पर लेके बैठे हम कहा। तो आज मेरा बर्थडे है तो मानसी ने कुछ गिफ्ट नहीं दिया मेरे को। केक कटेगा तो गिफ्ट दोगी? हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा है और काजल अभी रेडी हो चुकी है। और ये देख सकते हैं काजल अभी ये वाला साड़ी पहना है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला क्लिप में मेरे को आवाज़ें नहीं सुनाई दे रहा, आवाज़ इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है। यहाँ पे एक बाल्टी पानी रखी है काजल ईंट धोने के लिए, क्योंकि ईंट धोने के बाद ही इस ईंट पे पूड़ी बनाया जाएगा मिट्टी के कढ़ाई में। तो काजल धो रही है, पानी ला कर रख दिया था मैं। तो दोस्तों अभी काजल ने आग जला दिया है और ये देख सकते हैं चूल्हा ईंट से बना के और मिट्टी का बर्तन में अभी पूड़ी तलेंगे। और सबसे पहले मैं पूजा कर ली थी चूल्हा को अगरबत्ती बार के। हाँ तो लकड़ी पे बन रहा है अभी। चलिए यहाँ पे ना खटिया लगा देते हैं क्योंकि ना हवा चल रहा है अभी, मैं इसलिए बोल रहा था कि और बीच में कर लेते हैं क्योंकि इधर पूरा ये सूखा हुआ है, लग जाएगा ना तब समझ में। हम तो कहेंगे दो चार को तल लो इस पे चढ़ाने भर का बस। बाकी अंदर में तल लेंगे क्योंकि यहाँ पे रिस्क है ना। और मानसी बेटा भी उठ गई है। बेटा मानसी इधर देखो। तो अभी देखिए ऐसे गोल गोल कट करके गिलास से छोटा छोटा पूड़ी बना रही काजल अभी। और ये वाला ना कढ़ाई एकदम पूरा चेक करके लिए थे, लीकेज तो नहीं है, है ना। कल ये लो छोलनी, अभी कहाँ गर्म मिल रहा है, पहले ही डाल दी। आराम आराम देखना ध्यान से। हाँ एगो दूगो भी चल जाएगा ना, बस हो जाएगा नियम खत्म। तो अभी दोनों लोग जुड़ गए हैं, देख सकते हैं अभी कितना ही प्यारा लग रहा है। और ये दीदी इधर से गोल गोल कट करके दे रही हैं, काजल उधर तल रही है। आग बचा है काजल, फिर मैं कह रहा हूँ ठीक है। हाँ अच्छे से एकदम। और देखिए सड़िया पर ना लग जाओ, और सड़िया भरी फाइल के बैठ लड़ू। और दोनों ननद भौजाई कर रही हैं तैयारी रामनवमी का। दोस्तों चल रहे हैं पूजा करने, सारा व्यवस्था करके। और काजल और दीदी आगे आगे चल रही है, मानसी बेटा भी जा रही है और मैं जा रहा हूँ। जीजा जी और सब बाबू सब घर में हैं। चलिए चलते हैं। तो अभी दीदी और काजल दोनों लोग गए हैं पूजा करने अंदर में और हम थोड़ा यहाँ पे बैठते हैं। तो मानसी बेटा यहाँ भी, मानसी बेटा भी आ गई है। गोल लाग लो बेटा मैया जी को। हाँ अच्छा लग रहा है आपको। चलिए अब चलते हैं, है ना, पूजा करके आ गए। मानसी चलो। तो अभी दोस्तों आ गए हैं घर पे और मानसी लाई है मिठाई जो कि सबको बांट रही है अभी मानसी। भाग सबको प्रसादी बांट दो। और अभी लेके चल रहे हैं हम लोग दीदी को और जिया जी को वहाँ पे मिलवाने भैया भाभी से, और उसके बाद से फिर घर पे लेके चलेंगे जीजा जी के घर। चलिए आप सब बने रहिए, आज ही निकलेंगे क्योंकि कल ये अपने घर रहेंगे, यानी कल दीदी अपने ससुराल में रहेगी, फिर परसों मायके में आ जाएगी, यानी कि जहाँ पे शादी है भाई का वहाँ पे आ जाएंगी। तो कल आज हमारे घर रह गई, कल अपने घर, परसों नहीं कल ही आएंगे, कल ही आ जाएंगे। दोस्तों दीदी जा रही है घर पे और खाना पीना हो गया, चलिए हम छोड़ के आते हैं घर पे, है ना।
और कल आएंगी वहाँ पे उस वाले घर पे ना। हाँ सुबह नहीं चला, पूरा रूम सफाई करना पड़ेगा, सभी दोस्त आ रहे हैं उनके लिए पूरा बढ़िया से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो सुबह ही जाएंगे कल हो सकता है। और चलिए अभी चलते हैं लेके सबको, चलो। तो चलिए अभी दोस्तों ले चलते हैं दीदी को और जिया जी को और बाबू सबको। आई रहो आगे बढ़ कहा भाई कजल जा तो नहीं आए तब तक घर के काम कर ला है आओ नहीं तो फिर और सब काम जितना भी बाकी है ना वो सारा कर लेंगे और कल निकलेंगे क्यों कल सुबह जाएंगे तभी दीदी को भी लेना है जा तो नहीं आए सामान छोड़ दो कुछ बबनी के घर में रखियो हाँ बाहर हवा चल रहा बहुत तेज बहुत तेज चल रहा ये देखिए पूरा पत्ता हिल रहा है बहुत तगड़ा हवा है देखिए और धूल मिट्टी भी बहुत ज्यादा उड़ रहा है चलिए चलते हैं। तो अभी आ गए घर दीदी के और ये रहा दीदी का रूम उतार रही बेगवा उतार परदेसी से आई बारह से तो मुड़ी पर लेके बैठे हम कहा अच्छा क्यों देखत नहीं ना बारह साल में उसे बेगो टांग घूमा ताकि लोग देखो कि बाहर से आए हैं ना चलिए थोड़ा आराम कर। तो अभी दोस्तों फाइनली चलिए हम दीदी घर से जा रहे हैं अब और सबको बाय बाय करते हैं पानी वानी पी लिए हैं अब निकलते हैं क्योंकि और भी कहीं जाना है घर पे भी बहुत ज़्यादा काम है अभी शादी के लिए कुछ भी कपड़ा किसी के लिए भी नहीं खरीदा है अब देखते हैं चल के घर पे क्या क्या लेना है और अभी यहाँ से मतलब कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ से सामान भी ले जाना है। मामा का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। आज आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मामा। थैंक यू गिफ्ट लव बोलो बोल बोलो से ना हैप्पी बर्थडे मामा गिफ्ट लव कोई गिफ्ट नहीं दे रहा कोई बात नहीं शादी में आएंगे दीदी वहाँ पे गिफ्ट लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं घर पे और रास्ता इधर थोड़ा दूर खराब थोड़ा दूर क्या पूरा ही खराब है था एकदम इसलिए तो बहुत टाइम लग जा रहा है आराम से अब अकेले ही हैं धीरे धीरे चल जाएंगे चलिए जाते हैं जाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं दीदी घर से आ गया था उसी टाइम और रात में ना जैसे कि हम चले गए थे छापरा रिसीव करने के लिए तो रात में सोए नहीं थे ढंग से और दिन में भी सुबह ही उठना पड़ा क्योंकि पूजा था तो उधर से आने के बाद ना तुरंत सो गया था मैं और अभी उठे हैं एक घंटा पहले और आज है मेरा बर्थडे तो काजल कह रही है केक लाना है आपको तो चलिए देखते हैं कोई छोटा सा केक लेके आएंगे और दोनों हस्बैंड वाइफ सेलिब्रेट कर लेंगे क्योंकि भाभी अभी सब लोग वहाँ पे हैं और देखते हैं सब यही मिल के सब लोग सेलिब्रेट करेंगे यहीं पे वहाँ भी पॉसिबल नहीं है जाना क्योंकि आज भी रात में पूजा होता है और आप लोग के यहाँ नवमी शायद कल है किन के यहाँ तो ऐसा कमेंट आ रहा था और बाकी आप सब ने इतना सारा प्यार दिया मेरे बर्थडे पे विश किया सच बताए तो आंखों में आंसू आ सकता है अभी क्योंकि इतना प्यार मिलने के बाद से किसी को भी बहुत अच्छा लगेगा और थैंक यू सो मच आप सब ने इतना अच्छे से हमें विश किया क्या ही बोले इससे ज़्यादा और इतना ज़्यादा कपड़ा है जो कि काजल अभी इस टाइम धो रही है दिन भर ना और दिन भर इतना मतलब हवा था धूप था कि यहाँ बैठना पॉसिबल नहीं था अभी भी हवा चल ही रहा है बहुत हाँ, ज्यादा चल ही रहा है इतना ज्यादा हवा चल रहा है मेरा आंधी जैसा बह रहा है पूरा धूल मिट्टी उड़ रहा है बस हो गया अब मैं क्या करूँगी ना कंगार के नहा लूंगी और फिर पूजा पाठ की तैयारी में लगूंगी। हम लोग यहाँ से कल जाएंगे आज नहीं जा पाएंगे आज पूजा वजह है और दीदी को ले जाकर उनके घर तक पहुँचाया एक्चुअली उनके घर के सामने ना रोड नहीं जाता है और बांध है जैसे कि बांध जैसा कुछ है मिट्टी का ही इतना ऊंच खाल है ना हालत ख़राब हो गया था मेरे को डर ही लग रहा था क्योंकि मैं भी तो नया नया सीखा हूँ और ऐसे बहुत ज़्यादा ऊंच खाल में चलाने से ना ऐसे अप डाउन हो रहा था ना तो डर लग रहा था थोड़ा सा। बेटा इधर आओ मानसी आओ इधर। तो आज मेरा बर्थडे है तो मानसी ने कुछ गिफ्ट नहीं दिया मेरे को
केक कटेगा तो गिफ्ट दोगी? हाँ। कहाँ से लाओगी गिफ्ट? मैं खरीद के। अब पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास। वाव। तो पापा को क्या गिफ्ट दोगी बताओ, इधर दोस्तों से इधर आओ। मुझे याद नहीं है। तो मैं बताऊंगा मुझे क्या चाहिए, आ जाओ। जो मांगूंगा वो दोगी? हाँ। तो मेरे को चॉकलेट चाहिए। अच्छा हाँ, कल मैं कह रहा था कि मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, इसलिए मानसी को याद है सब। तो मुझे आप अपने पसंद से देना गिफ्ट, ठीक है? मार्केट से खरीद के लाओगी? चले जाओ भैया के साथ, सोनू भैया के साथ चले जाओ, मार्केट से दोनों लोग खरीद के लाना। तो इनके चप्पलें एक और कहाँ है? पता नहीं, गुम हो गया। हाँ, डॉग लेके भाग गया। डॉग लेके भाग गया? हाँ, एक चप्पल पहनने के लिए। हाँ, पहनने के लिए। हाँ, लेकिन उसके पैर छोटे हैं। डॉग के पैर छोटे हैं? हाँ। कोई बात नहीं। पता नहीं। पता नहीं। ए बेटा, तो मैं जा रहा हूँ केक लेने, ठीक है? और आप वेट करो और मैं केक लेके आऊँगा, फिर कटिंग करेंगे, फिर सेलिब्रेट करेंगे, फिर आप मेरे को मुंह में केक खिलाना है ना? हाँ, और आपको ना ऐसे पूरा लगा दूँगी। हाँ? हाँ। नहीं कजल, मानसी मेरे मुंह में केक लगाने के लिए बोल रही है, तो मैं रोने लगूंगा। ठीक है, मेरे में भी लगा देना, ठीक है? हाँ। कितनी क्यूट है लल्ला। बोल कैसे बोल रही थी पापा को, कैसे बोल रही थी हैप्पी बर्थडे? बोलो हैप्पी बर्थडे। ऐसे बोल रही थी हैप्पी बर्थडे पापा, तीन चार बार बोली है। सबसे पहले जो है काजल बोली थी हैप्पी बर्थडे, सेकंड नंबर में मानसी बोली, फिर दिन में भाभी का कॉल आया था, भाभी ने भी हैप्पी बर्थडे बोला था, और जितने भतीजे लोग हैं वो लोग भी स्टोरी वगैरह लगाए थे और कॉल करके बोले थे, और यूट्यूब चॉकलेट फ्लेवर था तो है ना कह लो, और यूट्यूबर्स में हमारे मिस्टू भाई कॉल किए थे हैप्पी बर्थडे स्पेशली बोलने के लिए, थैंक यू सो मच। पंकज भाई ने भी हैप्पी बर्थडे बोला, थैंक यू सो मच। तो अभी यूट्यूबर्स में दो ही लोगों को कॉल आया है। हाँ, सबको पता नहीं है क्योंकि हम अपना सेलिब्रेट उतना अच्छे से कहाँ कर पाते हैं बर्थडे। काजल ने लगाया था, मानसी के पापा लिख के लगाई, ऐसा लग रहा है कि मैं बूढ़ा बुजुर्ग हो गया हूँ, इसलिए मानसी के पापा हैप्पी बर्थडे ऐसे बोलती है। सोना सोना, मानसी के पापा ही मैं ज्यादातर बोलते हैं। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, सबको दिल से धन्यवाद। सबको पता नहीं चल पाएगा ना क्योंकि मैं अपना बर्थडे उतना सेलिब्रेट करता नहीं हूँ, एक बार किया था वहाँ थामे में, उसके बाद ऐसे नॉर्मली केक कटिंग कर लेते हैं। पिछले साल तो सर नोएडा में थे ना हम लोग, हाँ अकेले अकेले हम लोग के थे, दो तीन वहाँ पे पड़ोसी थे सब, और इस बार तो वो भी नहीं। इस बार वो भी नहीं है। तो वैसे छोटा वाला भाई फ़ोन किया था कि यहीं पे आ जाओ, भैया भी फ़ोन किए थे कि यहीं पे आ जाओ सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन इस टाइम पूजा है तो फिर पूजा करना होगा, फिर रात का ऐसे ही 9-10 बज जाएगा तो क्या फ़ायदा है ना। तो कल ही जाएंगे एक ही बार, बार बार जाना भी अच्छा नहीं है, है ना? और हाँ, और दीदी को और जीजा जी को खुशी खुशी उनके घर पहुंचा के आए, क्योंकि उनका कहना था कि द्वार पर ले चलो, इतना बांध देखी हो ना कजल, बड़ी डेंजर है, तो द्वार पर ले कैसे भी ले के चले गए। और दीदी हो सकता है कल वो भी आएंगे वहाँ पे, नहीं तो परसों आएंगे, देखिए जब भी आती हैं। और बाकी सब गेस्ट लोग आएंगे हमारे 22 तारीख तो को, कोई कोई 21 तारीख को भी आ जाएंगे। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगेंस आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को, आप सभी ने इतना प्यार दिया। और चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।